दो ऑप्शन पे आज मैं बात करूंगा, मल्टीपल जीएसटीआईएन कैसे मैनेज कर सकते हो आप एक सिंगल टैली में, और वाउचर सीरीज कैसे सेट कर सकते हो अलग अलग जीएसटीआईएन वाइज। ठीक है, तो और रिटर्न्स में भी बदलाव हुआ है, आप जीएसटी नंबर वाइज रिटर्न्स देख सकते हो। देखिए क्या होता था, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि आपको मैं बताता हूं कि क्या सबसे मेजर अमेंडमेंट हुआ वो बताता हूं। मान लो एक व्यापार है जिसका नाम है, मान लो व्यापार का नाम है टाटा लिमिटेड, ये कंपनी है टाटा लिमिटेड, एक कंपनी है, ठीक है, रतन टाटा इसके ऑनर है, लेकिन टाटा लिमिटेड का महाराष्ट्र में भी धंधा है, बिजनेस है, गुजरात में भी इसका बिजनेस है, और राजस्थान में भी इसका बिजनेस है, और मल्टीपल स्टेट में पंजाब में भी इसका बिजनेस है। ठीक है, तो चार अलग अलग राज्यों में टाटा कंपनी का मान लो व्यापार फैला हुआ है, चारों राज्यों में व्यापार फैला हुआ, तो जीएसटी नियमानुसार टाटा कंपनी को चारों राज्यों में अलग अलग जीएसटी नंबर लेने पड़ेंगे। दिस इज जीएसटी आई एन वन, दिस इज जीएसटी आई आई एन टू, दिस इज जीएसटी आई एन थ्री, एंड दिस इज जीएसटी आई एन फोर। अब चार अलग अलग जीएसटी नंबर अगर आपके पास है, तो आपको टैली में अब तक ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी कि आप एक टाटा लिमिटेड करके कंपनी बना लो, एक कंपनी बना लो और उसमें चारों जीएसटी के अलग अलग ट्रांजेक्शन अलग अलग जीएसटी आईएन वाइज रिकॉर्ड कर लो, और अलग अलग जीएसटी भी उसमें रिटर्न्स भी प्रिपेयर हो जाए, ये फैसिलिटी अब तक नहीं थी। अब तक क्या होता था कि आपको हर एक स्टेट वाइज अलग अलग कंपनी बनानी पड़ती थी। तो अगर आप टैली में मैनेज भी करना चाहोगे तो कितनी कंपनियां खोलनी पड़ती थी, एक दो तीन और चार कंपनियां आपको ओपन करनी पड़ती, लेकिन अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अब टैली ने एक ऐसा सिस्टम दे दिया है जिसमें आप एक ही कंपनी में, अगर उस कंपनी का या उस बिजनेस का अलग अलग राज्यों में बिजनेस है, तो आप मल्टीपल जीएसटीआईएन टैली में क्रिएट कर सकते हैं विथ डिफरेंट वाउचर नंबरिंग, और हर कंपनी का, हर जीएसटी नंबर का आप अलग अलग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं, और वो ट्रांजेक्शन उस जीएसटी वाले नंबर में आप रिटर्न में भी आपको रिफ्लेक्ट करेगा। चलिए इसका एक अपन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी करके चलते हैं। मेरे पास एक एक्सेल की फाइल है जिसमें मैंने कुछ डेटाबेस डाला हुआ है, मैं सबसे पहले उस फाइल को ओपन कर रहा हूँ। टैली प्राइम 3.0 में जो नए फीचर्स आए हैं, उन फीचर्स को हम वन बाई वन इन क्लासेस में डिस्कस करेंगे, और सबसे पहले हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि सर कौन कौन सी ऐसी नई चीजें आई है। तो हैंडलिंग मल्टी जीएसटीआईएन, मल्टीपल जीएसटीआईएन आप हैंडल कर सकते हैं, पेमेंट रिक्वेस्ट ऑप्शंस इसमें आ गया है, वाउचर नंबरिंग इनहेंस कर सकते हैं आप, जीएसटीआईएन वाइज वाउचर नंबरिंग सेट कर सकते हैं, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में जाके आप जीएसटी नंबर वाइज अलग अलग वाउचर नंबरिंग सेट कर सकते हैं, जीएसटी रिपोर्ट्स में आपको जीएसटी नंबर वाइज रिपोर्ट दिख जाएगी, और रिकॉन्सिलिएशन ऑप्शन आपको जीएसटी आर वन में, टू ए में और टू बी में आ गए हैं ऑप्शन। ये सब मैं आज आपको करके बताने वाला हूँ। यहाँ पर सबसे पहला जो मेरा आज का प्रैक्टिकल वर्क होने वाला है, वो होने वाला है कि किस तरह से आप एक सिंपल कंपनी में, एक सिंगल कंपनी में मल्टी जीएसटीआईएन मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, रिकॉर्ड हो रही है ये क्लास, आपको वापस मिलेगी जब आप इसकी प्रैक्टिस भी करिएगा जैसे मैं कर रहा हूं। तो आप ध्यान से देखिएगा कि मेरे को इसके लिए क्या करना होगा। देखिए मैं क्या क्या चाहता हूं, अब मैं आज पहला टॉपिक उठा रहा हूं हैंडलिंग मल्टी जीएसटीआईएन, तो इसमें मैं कुछ चीजें देखने वाला हूं। यहां पर क्रिएशन मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन अ सिंगल कंपनी, रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन फॉर एनी ऑफ योर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, व्यू जीएसटी रिपोर्ट फॉर ऑल और एनी ऑफ योर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, सेट डिफॉल्ट जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर स्पेसिफिक वाउचर टाइप, व्यू एंड एक्सपोर्ट जीएसटी रिटर्न फॉर स्पेसिफिक और ऑल जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, एक कंपनी हमें बनानी है, तो सबसे पहले हम एक कंपनी बनाने जा रहे हैं। चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास, मुझे अगर टैली में कंपनी बनाना है, आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि टैली में कंपनी कैसे बनाई जाती है। अगर हमें कंपनी बनाना है तो हम क्रिएट में जाएंगे, और यहां पर मुझे कुछ डेटाबेस मैंने डाल रखा है कि मुझे एक कंपनी बनानी, सुजलोन इंडस्ट्री लिमिटेड, ठीक है, और इसका एड्रेस है फर्स्ट फ्लोर नीलकंठ फर्स्ट भवानी सिंह रोड अपोजिट नेहरू
सहकार सी स्कीम जयपुर, यानी जयपुर की ये कंपनी है और इसका ये जीएसटी नंबर दे रखा है राजस्थान का। 08 की शुरुआत होती है कहाँ से? राजस्थान से। सो चलिए क्रिएट करते हैं सुजलोन एनर्जी लिमिटेड। एड्रेस हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ज्यादा कंफर्टेबल है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और एड्रेस को आप दो लाइन में कॉपी कर लीजिए। तो पहली लाइन ये हो गई और सेकेंड लाइन ये हो जाएगी। ओके, सो स्टेट हम राजस्थान ले लेते हैं। अभी पिन कोड ले लेते हैं 302001, और आप कांटेक्ट डिटेल्स वगैरह डाल सकते हैं। फिलहाल मैं नहीं डाल रहा हूँ, और 1 अप्रैल 2023 से मैं इसको लेते हुए क्या कर दूँ, सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये सेव कर दिया मैंने। और इसके बाद मैं यहां पर इसके जीएसटी नंबर पे चला जाता हूं, ये इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यस कर दूं। यहां पर मैं राजस्थान ले लूं स्टेट, जीएसटी रेगुलर स्कीम ले लेता हूं, और इसका जीएसटी नंबर यहां पर मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं। सी, ये राजस्थान का जीएसटी नंबर है, तो मैंने इसको यहां पर पेस्ट कर दिया। और मान लो मंथली जीएसटीआर 1 फ्रीक्वेंसी है, तो मैं मंथली ले लेता हूँ। ई इनवॉइस, अभी मान लो मैं इस कॉन्सेप्ट को नहीं छेड़ता, और ई वे बिल के कॉन्सेप्ट को भी मान लो मैं नहीं छेड़ रहा हूँ। और आप ये रजिस्ट्रेशन नेम में आप राजस्थान रजिस्ट्रेशन करके, आप इसमें एक ऑप्शन आपसे ये देखिए, एक ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, क्रिएट अनादर जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर कंपनी, इसको आप यस कर सकते हैं। तो यहाँ से यस करके इसको सेव कर दें। ठीक है, ये आपने एक बार के लिए क्या कर दिया, सेव कर दिया राजस्थान के लिए। किसके लिए? राजस्थान के लिए। और आप बाहर निकल जाइए यहां से, आप एक बार वापस बैक में जाके देख सकते हैं कि आपने जो डिटेल डाली वो मौजूद है कि नहीं है। बिल्कुल मौजूद है, कंट्रोल प्लस ए कर दीजिए, और आप एक बार इसको कंट्रोल ए करके बाहर निकल जाइए। ये आपने रजिस्ट्रेशन किसके लिए सेट किया? राजस्थान के लिए। वापस से आप F11 करिए, वापस आप यहां आइए, और यहां से जब आप आएंगे यहां पर, तो आप यहां पर, अब अभी आप यहां पर रजिस्ट्रेशन बदलाव नहीं कर सकते। जैसे यहां से रजिस्ट्रेशन बदल नहीं सकते, ये रजिस्ट्रेशन आपका एक ही डाला हुआ है। ये कहां से बदलेंगे और कहां हम दूसरे रजिस्ट्रेशन की डिटेल डालेंगे ये मैं बताऊंगा। बस एक रजिस्ट्रेशन जो हमारी जो जो मुख्य जो आपकी ब्रांच है वहां का आपने डाल के कंपनी बना लिया, और आप अब बिल्कुल बाहर आके गेटवे ऑफ टैली पे आ जाए। तो ये इट इज वेरी सिंपल कि कोई भी कर सकता है ये काम। तो इसमें आपको कोई ऐसा बदलाव दिख नहीं रहा, खाली एक ऑप्शन एक्स्ट्रा दिख रहा था मल्टीपल जीएसटी वाला, उसको आपने अभी यस किया हुआ है, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है वो अभी अपन बात करेंगे। अब सवाल ये आता है कि सर इसी तरह से हम एक गुजरात का भी रजिस्ट्रेशन डिटेल डालेंगे और एक महाराष्ट्र का भी रजिस्ट्रेशन डिटेल डालेंगे, यानी हमारी मान लो 3 ब्रांचेज है, राजस्थान में, गुजरात में और महाराष्ट्र में। तो आप कैसे कैसे ये रजिस्ट्रेशन डिटेल डालेंगे इस पे अभी हम बात करेंगे कि हम इसको कैसे डालेंगे। उससे पहले, ये अगले 2 रजिस्ट्रेशन की डिटेल डालने से पहले, मैं चौथे पॉइंट पे आ रहा हूं कि मुझे मुझे वाउचर सीरीज सेट करना है गुजरात महाराष्ट्र और राजस्थान तीनों के लिए अलग अलग, ताकि जब भी मैं कोई सेल्स की एंट्री या परचेज की एंट्री करूं तो सॉफ्टवेयर मुझे पूछे कि ये राजस्थान ब्रांच के लिए हो रहा है या गुजरात ब्रांच के लिए हो रहा है या महाराष्ट्र ब्रांच के लिए हो रहा है। अगर आपने राजस्थान ले लिया तो सॉफ्टवेयर उसकी वाउचर सीरीज अलग रखे, गुजरात ले लिया तो उसकी अलग रखे, और महाराष्ट्र ले लिया तो उसकी अलग रखे। तो वाउचर सीरीज बनाने से पहले आपको तीनों रजिस्ट्रेशन क्रिएट करने पड़ेंगे, और इसके लिए आपको सबसे पहले चलना पड़ेगा जीएसटी एंट्री करेंगे। क्या करेंगे? यानी अब मेरे को ये वाउचर वगैरह सब बनाने, इससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सेपरेट सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन चढ़ाने पड़ेंगे। तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूं, सेल्स वाउचर में जा रहा हूं, वाउचर और F8 सेल्स, ठीक है। और यहां पर मैं F12 कर रहा हूं, और F12 में एक ऑप्शन मुझे यहां पर, सॉरी, सेल्स में आया, सेल्स में मुझे मोर डिटेल में जाना है। कहां जाना है? मोर डिटेल में। और मोर डिटेल में जाके ये देखिए, यहां पर एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, तो मोर और जीएसटी रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक करूं। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा,
आप सब ध्यान से देखना मैंने क्या किया, बताओ मुझे आप, आपको अगर याद हो। अरे 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 सर, आपने टेली खोला, उसमें आपने कंपनी बनाई सुजलोन एनर्जी लिमिटेड, और उसकी जीएसटी डिटेल में जाके आपने राजस्थान वाला जीएसटी डिटेल डाल दिया और सेव कर दिया। अब आप क्या कर रहे हो, वाउचर में जा रहे हो, सेल्स वाउचर खोला, और सेल्स में आपने मोर डिटेल में गए हो और वहां जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल पे क्लिक किया। जैसे आपने क्लिक किया, वहां राजस्थान का डिटेल तो दिख रहा है लेकिन बाकी डिटेल नहीं दिख रहा, क्योंकि बाकी अभी आपने बनाया नहीं है। तो अपन जीएसटी रजिस्ट्रेशन यहां से क्रिएट करेंगे। चलिए क्रिएट करते हैं, ये क्रिएट। अब मैं ले रहा हूं दूसरा नंबर, किसका, गुजरात का, और गुजरात का जीएसटी नंबर यहां डाल देता हूं। चलिए गुजरात वाला ऊपर दे रखा है, ये गुजरात ब्रांच है, तो इसका जीएसटी नंबर मैं यहां से कॉपी करता हूं और यहां पर मैं पेस्ट कर दूं। पीरियोडिसिटी मंथली रखता हूं और कोई छेड़छाड़ नहीं करते हुए इसको क्या कर देता हूं, सेव कर देता हूं। ठीक है, अब वो बताएगा कि आप चाहो तो यूनिक वाउचर नंबरिंग इस सेट कर सकते हो इसके लिए, इसके लिए गुजरात के लिए, क्या आपको करना है। मैंने कहा यस। ठीक है, जैसे ही मैं यस करूंगा इसने मुझे कहीं और लेके आ गया ये, लेकिन अभी मैं यहां से बाहर निकल जाता हूं, वापस पीछे आ गया। वापस से मैं यहां पर, ये देखिए अभी एक ऑप्शन आ गया, जैसे ही आपने राजस्थान के अलावा गुजरात बनाया तो यहां पर साइड में एक ऑप्शन आ गया, कंपनी या टैक्स रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक करूं और एक और रजिस्ट्रेशन बना लेता हूं। तो यहां पर इस पे नहीं, यहां पर एक और मोर डिटेल में गया, रजिस्ट्रेशन टाइप में गया, डबल क्लिक किया और यहां से एक और क्रिएट कर देता हूं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्रिएट पे डबल क्लिक। अब की बार महाराष्ट्र के लिए, और महाराष्ट्र वाला जीएसटी नंबर हम यहां से उठा के डाल देंगे, ये महाराष्ट्र का है, सी कंट्रोल सी, और इसमें आके हम कंट्रोल वी कर देते हैं। ठीक है, और कंट्रोल ए करके सेव कर देते हैं एंड यस कर देते हैं और अपन बाहर आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास तीन जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गए, सुजलोन एनर्जी लिमिटेड में कितने हो गए, तीन हो गए। कहां से देखने को मिलेगा ये, जब आप सेल या परचेज की एंट्री में आएंगे तो आपको यहाँ पर टैक्स रजिस्ट्रेशन करके एक ऑप्शन नजर आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो देर आर थ्री टैक्स रजिस्ट्रेशन ऑफ सुजलोन एनर्जी लिमिटेड फॉर गुजरात, फॉर महाराष्ट्र एंड फॉर राजस्थान, एंड दे ऑल हैव अ डिफरेंट डिफरेंट जीएसटी आईएन, राइट, जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। नाउ व्हाट, हमें अब क्या करना है, अब हमें बाहर निकलना है। तो इस तरह से मैंने एक कंपनी बना ली और मैंने तीन अलग अलग टैक्स रजिस्ट्रेशन कर लिए, वो कहां जाके किए बताओ, कहां जाके किए, वाउचर्स में जाके किए, कहां जाके किए। अगर आपको वाउचर्स में जाके नहीं करने तो आप यहां से भी कर सकते हो, क्रिएट में गए, मास्टर्स में आए, स्टैट्यूटरी मास्टर में, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आके भी बना सकते, ये भी एक ऑप्शन है जहां से आप कर सकते हो, और ये ज्यादा बढ़िया ऑप्शन है क्योंकि आप जब लेजर आइटम आइटम कुछ बनाते हो तो यहीं से बनाते हो, लेकिन आज वो हम जब इनिशियल लेवल पे नया टैली सीखते हैं तो हम इधर आते हैं, जब हम टैली में धुरंधर हो जाते हैं तो हम इधर आते ही नहीं है, कोई भी बंदा क्रिएट में नहीं आता, वो डायरेक्ट वाउचर में रहते हुए हर चीज कर लेता है, इसलिए मैंने आपको वाउचर से बताया। ठीक है, तो हमने तीन जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, इस कंपनी के तीन अलग अलग स्टेट में ऑपरेशन है, बिजनेस है, तो आपने तीनों अलग अलग जीएसटी आईएन क्रिएट कर लिए। अब आपको जाना है चार्ट ऑफ अकाउंट में, कहां जाना है, चार्ट ऑफ अकाउंट में जाना है, और इसमें वाउचर टाइप में जाना है, और तीनों के तीनों जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है उनकी सेल्स में आपको उनके लिए एक सीरीज क्रिएट करनी है। चलिए चलते हैं, तो सेल्स वाउचर में जाते हैं, कहां गया वापस बता रहा हूं, चार्ट ऑफ अकाउंट, वाउचर टाइप, सेल्स, और सेल्स में आ गया, और सेल्स में आने के बाद यहां पर एक ऑप्शन आएगा, डिफाइन मल्टीपल नंबरिंग सीरीज फॉर वाउचर। अगर ये ऑप्शन यहां नहीं आए तो आप यहां से F12 करिएगा और F12 में ये ऑप्शन आपको नजर आएगा, उसे यस करिएगा यहां से और सेव करके बाहर आइएगा तो ये ऑप्शन यहां नजर आएगा, कौन सा ऑप्शन, डिफाइन मल्टीपल नंबरिंग सीरीज फॉर वाउचर, इसे आपको यस करना है, और यस करते ही वो आपसे पूछेगा कि कौन सी सीरीज बनानी। तो आप सबसे पहले सीरीज क्रिएट करोगे, क्रिएट सीरीज, सबसे पहले मैं राजस्थान के लिए करूंगा तो मैं यहां लिख देता हूं सीरीज नेम राजस्थान,
है। मेथड फॉर वाउचर नंबरिंग यहां पर आप ऑटोमेटिक कर ले, ऑटोमेटिक मेथड ऑटोमेटिक नंबरिंग आएगा। यहां रिटर्न ओरिजिनल वाउचर नंबर रखे और सेट अल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल को यस कर दे। हम तीन अलग अलग सीरीज बना रहे हैं सेल्स वाउचर में, एक राजस्थान के लिए, एक गुजरात के लिए और एक महाराष्ट्र के लिए। सबसे पहला मैं राजस्थान के लिए बना रहा हूं, तो मैंने यहां सीरीज नेम में राजस्थान लिख दिया, ऑटोमेटिक ले लिया वाउचर नंबरिंग मेथड, रिटर्न ओरिजिनल वाउचर नंबर और सेट अल्टर एडिशनल नंबरिंग को यस कर दिया। जैसे ही मैंने यस किया, ये एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। यहां आकर मैं प्रीफिक्स में जाके, ये प्रीफिक्स में आके 1 अप्रैल को यहां मैं डाल देता हूं कि जो राजस्थान की सीरीज होगी उसके आगे आरजे लिखा हुआ है और डेस लिखा हुआ है। तो जैसे एक नंबर है तो RJ1, RJ2, RJ3, जैसे जैसे बिल बनाओगे तो RJ लिखा हुआ है किसके आगे, राजस्थान के सीरीज के आगे। ठीक है, चलिए ठीक है। और हम इसको क्या कर दें, सेव कर दें, ये सेव होगी सर। इसी तरह से हम एक और सीरीज बनाते हैं किसके लिए, गुजरात के लिए, अगेन ऑटोमेटिक, अगेन रिटर्न ओरिजिनल वाउचर नंबर, यस। और इसमें आके आपको क्या करना है, DJ ऑब्लिक कर दें, सॉरी यहां पे नहीं, यहां तो 1 अप्रैल, यहां पे प्रीफिक्स डिटेल है, प्रीफिक्स यानी नंबर के आगे क्या लगने वाला है, नंबर के आगे क्या लगेगा, डीजे लगेगा। ठीक है, और आप इसे सेव कर लें। और उसी तरह से एक और सीरीज बना लें महाराष्ट्र के लिए, ऑटोमेटिक इसको यस कर दें और महाराष्ट्र की सीरीज के आगे क्या लग जाए, MH ऑब्लिक, अरे 1-4-MH-10। ठीक है, इस तरह से आप वाउचर सीरीज बना लिया तीनों स्टेट के लिए सेल्स वाउचर में, किसमें, तो ये सेल्स में कर सकते हो, तो सारे वाउचर में भी ये कर सकते हो, सारे पेमेंट वाउचर में भी कर सकते हो, सारे रिसिप्ट वाउचर में भी कर सकते हो, सारे कॉन्ट्रा वाउचर में भी कर सकते हो, सारी परचेज में भी कर सकते हो, सारे के जनरल में भी कर सकते हो, सीरीज बना सकते हो। अभी मैं सिर्फ एक का बता रहा हूँ सेल्स का। ठीक है, अब आप आ जाओ बाहर और आपने सीरीज बना ली, अब आप सेव कर दो, ये सेव कर दो कंट्रोल लेकर और वापस से आ जाओ गेट पर। आप क्या लिखो सर, इससे क्या होगा बताते हैं क्या होगा। अब हम तीन सेल्स की एंट्री करेंगे 1 by 1। ठीक है, अलग अलग राज्यों में, राजस्थान में, गुजरात में और अब मान लो राजस्थान में एक सेल हुई सर, गुड्स बेचा आपने, तो चलिए वाउचर में चलते हैं। 1 अप्रैल आपने ले रखा है, आपको राजस्थान में करना है तो वहां से F3 करके कंपनी रजिस्ट्रेशन में जाके कौन सा ले लें, जैसे आप राजस्थान लेंगे और यहां से वाउचर सीरीज कौन सी ले लें, राजस्थान। ठीक है, और सिस्टम डिफॉल्ट कर लें, सिस्टम डिफॉल्ट यानी सिस्टम ले लेगा 1 नंबर, तो आप देखिए RJ1 आ गया और यहां देखिए GST रजिस्ट्रेशन में क्या लिखा हुआ है, राजस्थान लिखा हुआ है। यानी अब ये एंट्री जो आप करने जा रहे हो, इट इज फॉर राजस्थान ब्रांच, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू दोज जिनका ब्रांच और हेड ऑफिस कॉन्सेप्ट होता है, जिनका एक हेड ऑफिस होता है और अलग अलग ब्रांचेज होती है, और वो चाहते हैं कि हमारा, मान लो मेरी 3 ब्रांचेज है, मेरा तीनों का कंबाइंड डेटा भी मुझे दिखता रहे और एक ही जगह सॉफ्टवेयर में तीन नहीं खरीदूं बल्कि एक ही खरीदूं और एक ही जगह मेंटेन हो जाए, उनके लिए बहुत बढ़िया हो गया। अब चलिए करते हैं, हम एक पार्टी बना लेते हैं। मान लो पार्टी अगर आप बनाना चाहते हो, सपोज B2B में एंट्री करना चाहते हो, ठीक है, तो राजस्थान के लिए हम एक राजस्थान की पार्टी बना लेते हैं, तो क्रिएट करते हैं। पार्टी का नाम हम मान लो मैं डाल देता हूँ, वो सिनर्जी एनर्जी लिमिटेड था ना, पार्टी का नाम मान लो मैं डाल देता हूँ रिलायंस लिमिटेड हनरी बेटर। ठीक है, बिल बाई बिल यस कर दूं, रिलायंस का एड्रेस डाल देते हैं जामनगर गुजरात, गुजरात है? नहीं, मैं गुजरात की ले रहा हूँ, अब नाम जैसा नाम वैसा काम, राजस्थान की नहीं लेके क्या हो जाएगा, गुजरात की लूंगा तो क्या हो, गुनाह हो गया, नहीं हुआ ना, IGST लूंगा उसमें, राइट, बिल में। ठीक है, गुजरात ले लिया और यहाँ गुजरात का GST नंबर लेना पड़ेगा, तो हम एक काम करते हैं इंटरनेट पे चलते हैं, चलिए इंटरनेट पे चलते हैं और मान लो हम रिलायंस जामनगर का GSTIN डाल देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया साहब,
जामनगर का लेना है ना, ये रहा ठीक है, 24 नंबर वाला कॉपी, और इधर लाके पेस्ट कर दिया ठीक है। अब क्या करना है साहब, अब आप इसको सेव कर दो, बात है नहीं। ये आपने गुजरात की एक पार्टी बना दी, और आप कौन सी ब्रांच से एंट्री कर रहे हो, तो राजस्थान से गुजरात मतलब कौन सी सप्लाई हुई, इंटर स्टेट सप्लाई हुई। अब सेल्स का भी एक लेजर बना लेते हैं, क्रिएट सेल्स, सेल्स का ग्रुप सेल्स। अब देखिए इसमें आपको बहुत डिफरेंस दिखेगा, क्या 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 पूछा जा रहा है, आपको ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसे जीएसटी एप्लीकेबल रखना है, एस पर कंपनी ग्रुप लेना है, एस पर कंपनी ग्रुप लेना है, और यहाँ गुड्स लेकर सेव कर देना। सेल्स का लेजर बन गया। अब आप नेम ऑफ आइटम, मान लो आप उनको क्या बेच रहे हो, सपोज आप उनको आइटम में कोई भी एक आइटम ले लेते हैं, एनर्जी लिमिटेड है ना, है बैटरी, सोलर बैटरी ठीक है, नंबर्स यूनिट में क्या बना ले, नंबर्स बना ले, और NOS नंबर्स UQC हो जाएगा। और मान लो आप इनको एक बैटरी बेच रहे हैं, बैटरी के ऊपर आपको यहाँ पर GST एप्लीकेबल रखना है ठीक है, GST डिटेल आपको HSN वगैरह डालना पड़ेगा, तो मैं स्पेसिफाई डिटेल हियर कर देता हूँ, और इसका मान लो बैटरी का HSN डाल देता हूँ, ये बैटरी का HSN हो गया ठीक है, और GST रेट डिटेल, रेट डिटेल भी यहाँ डाल देते हैं अपन, स्पेसिफाई हियर टैक्सेबल, मान लो बैटरी के ऊपर, सोलर बैटरी पे मान लो 5% GST लगता है सपोज, तो 5% ले लिया, गुड्स ले लिया और सेव कर दिया। तो आपको इस तरह से आइटम में डिटेल स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। और मान लो आपने बैटरी DSO, और मान लो बैटरी की रेट है 5600, तो 5,60,000 रुपये का माल हो गया जो आपने रिलायंस को बेच रहे हो आप ठीक है, और इस पे आपको IGST का लेजर बनाना पड़ेगा, अल्टर सी IGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, कौन सी ड्यूटी, GST, कौन सी IGST, और आप परसेंटेज डाल लेनी है, सेव कर लो, ये आ जाएगा। यानी ये टोटल मिला के 5,88,000 का बिल बन गया। ईवे बिल अभी मैं फिलहाल में 9 रखता हूँ, और इस एंट्री को मैं न्यू बिल लेकर RJ01 30 डेज की क्रेडिट पर बेच रहा हूँ और सेव कर देता हूँ। तो ये एक सेल की एंट्री हो गई, ये फाइल को ईवे बिल के लिए नहीं भेजते हम, ये सेव हो गई। ये एंट्री मैंने कौन सी ब्रांच के लिए की, अब मैं एक एंट्री गुजरात ब्रांच की भी कर लेता हूँ। मान लो गुजरात ब्रांच से भी उसी रिलायंस इंडस्ट्री को आपने 100 बैटरी और भेजी, तो एक एंट्री और करते हैं। यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स रजिस्ट्रेशन बदलना पड़ेगा, गुजरात ब्रांच लेना पड़ेगा, और यहां से गुजरात का नंबर लेना पड़ेगा, वाउचर नंबर ठीक है, और सिस्टम डिफॉल्ट पे ये आप देखिए क्या आ गया, DJ1 आ गया, यानी इनवॉइस नंबरिंग अलग अलग चल रही है, ब्रांच वाइज इनवॉइस नंबरिंग चल रही है। कैसे, ब्रांच वाइज, राजस्थान में RJ था, इसमें GJ हो गया। अब पार्टी नेम में, अब देखिए मैं वापस से पूरी पार्टियां वार्टियां नहीं बनाऊंगा, तो मैं वो सेम ट्रांजेक्शन करता हूँ, रिलायंस रामनगर की पार्टी को आप भेज रहे हो गुजरात ब्रांच से, तो ये इंट्रा स्टेट हो जाएगी। सेम सोलर बैटरी भेज रहे हो, सेम 100 क्वांटिटी भेज रहे हो, सेम रेट पे भेज रहे हो, अब IGST नहीं लगेगा, तो आपको अल्टर सी करके TGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, DGST और सेव, वापस अल्टर सी, SGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST और SGST और सेव। तो ये 14,000 काउंट कर लिया, बिल उतने का ही है 5,88 का, इसे नो करके हम इसको सेव कर देते, एक एंट्री और करते हैं महाराष्ट्र ब्रांच के लिए ठीक है। तो ये वापस से रजिस्ट्रेशन में गए, महाराष्ट्र ले लिया, आप ब्रांच वाइज एंट्री कर रहे हो, ये महाराष्ट्र ले लिया, सिस्टम डिफॉल्ट लिया, तो आप देखिए यहां MH1 आ गया ठीक है। मान लो महाराष्ट्र ब्रांच की एंट्री भी आप रिलायंस को ही बेच रहे हो, तो ये रिलायंस वही आइटम बेच रहे हो, 100 क्वांटिटी बेच रहे हो, अब की बार रेट थोड़ी चेंज है, अब की बार आप इसको 5400 में बेच रहे हो महाराष्ट्र से, तो 5,40 और कौन सा टैक्स लगना है, IGST लगना है, 27,000 का टैक्स बन गया, नॉन
और ये आपका MH01 करते हुए आप बिल को सेव कर लो। देयर आर थ्री एंट्रीज जो हमने एंट्री किया है सेल्स वाउचर में विथ डिफरेंट GSTIN विथ डिफरेंट वाउचर नंबरिंग, राइट। अब आपको बाहर निकलना है और ये तो काम हो गया कि यार सर ऐसे तो हम वाउचर वाइज एंट्री कर पाएंगे, मतलब जीएसटी नंबर वाइज कर पाएंगे, बिल्कुल किसी भी वाउचर में कर सकते हैं। यस डेफिनेटली आप किसी भी वाउचर में कर सकते हो, पेमेंट की हर वाउचर में आपको ये नजर आएगा। तो पेमेंट अगर कर रहे हो और गुजरात से कर रहे हो तो गुजरात लोगे, राजस्थान से कर रहे हो तो राजस्थान लोगे, महाराष्ट्र से कर रहे हो तो महाराष्ट्र लोगे। आपको कोई भी वाउचर में एंट्री करनी है तो वाउचर आपको GSTIN वाइज देखना पड़ेगा, ठीक है। और अब सवाल ये आता है कि सर जीएसटी रिपोर्ट्स बताओ, चलिए चलिए बताता हूँ जीएसटी रिपोर्ट्स, डिस्प्ले स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट। अब आप देखिए यहाँ पर भी बदलाव हुआ है, अगर आप लोग टैली यूजर हैं, टैली प्राइम बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर इस तरह से नहीं आता था, यहाँ पर आपको इस तरह से आएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं ट्रेक रिटर्न, जीएसटी रिटर्न एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे तो आपको कौन कौन सी ब्रांच के लिए कब कब रिटर्न भरना है वो भी आ जाएगा, देखिए, और वो रिटर्न भरा नहीं भरा ये सब आ जाएगा, ठीक है। दूसरा आपको GSTR 1 जाओगे तो ये जो GSTR 1 दिखेगा, आप देखिए इसमें तीन एंट्री नजर आ रही है, 16,60,000 से 55,000 का IGST, 14,000 का ये तीनों एंट्री तो आपने अलग अलग ब्रांच में की थी, ये ऑल रजिस्ट्रेशन का टोटल डिटेल है, कंबाइंड डिटेल है। लेकिन कंबाइंड डिटेल तो हमारी सहूलियत के लिए हम देख रहे हैं, हमें रिटर्न तो रजिस्ट्रेशन वाइज भरना है, तो आप यहां से रजिस्ट्रेशन ले लो। मान लो आपको गुजरात के लिए देखना है रिटर्न तो गुजरात पे क्लिक करते गुजरात का दिख जाएगा, ये देखिए गुजरात की एंट्री CGST SGST। मान लो आपने यहाँ से महाराष्ट्र का ले लिया तो ये महाराष्ट्र पे क्लिक करते महाराष्ट्र की एंट्री नजर आ जाएगी। मान लो आपने यहाँ से राजस्थान का ले लिया तो ये राजस्थान की एंट्री नजर आ जाएगी। तो ये रजिस्ट्रेशन GST रजिस्ट्रेशन वाइज रिटर्न देख रहे हो आप GSTR 1। और आपने अगर यहाँ से ऑल ले लिया, सुजलन लिमिटेड का ले लिया, तो ये तीनों रजिस्ट्रेशन का कंबाइंड डिटेल आ जाए, क्लियर। ये सबसे बड़ा बदलाव आपको टैली 3.0 में देखने को मिलेगा। दूसरा, आपको इसमें GSTR 3B में भी ऐसा ही कर पाओगे, आप कंबाइंड डिटेल भी देख पाओगे और अलग रजिस्ट्रेशन वाइज भी देख पाओगे, और ये एनुअल रिटर्न में भी आप तीनों का कंबाइंड भी देख पाओगे और अलग अलग भी देख पाओगे। ये एनुअल रिटर्न है GSTR 9, और ये GSTR 1 का रिकंसिलिएशन है तीन एंट्रिया की, ये भी कंबाइंड देख पाओगे अलग अलग देख पाओगे। रिकंसिलिएशन का मतलब है एंट्री चेक करना, ठीक है। यहाँ आके आप सारी एंट्रिया चेक कर सकते हो और उसे सेव कर सकते हो, जब सेव करोगे तो वो कंसाइल हो जाएगी, अभी अनकंसाइल लिखा हुआ है वो रिकंसाइल हो जाएगी। और 2A का रिकंसिलिएशन भी देख पाओगे, अभी 2A से रिलेटेड या 2B से रिलेटेड तो हमने कुछ किया नहीं तो नजर नहीं आएगा, सिर्फ 1 से रिलेटेड किया तो 1 की एंट्रिया तीनों मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। सो ये आपका सबसे बड़ा मेजर अमेंडमेंट जो आपका जीएसटी में हुआ है, मल्टीपल GSTIN आप मैनेज कर पाओगे एक ही कंपनी में, और GSTIN वाइज ट्रांजेक्शन भी कर पाओगे और वाउचर नंबरिंग भी सेट कर पाओगे। आई होप इस एग्जांपल से आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो बदलाव हुए हैं उनके ऊपर मैं नेक्स्ट क्लास कल 11 बजे लूंगा, आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू सो मच।